देखो जब भी बात इसकी होगी तो आप सिंपल से एक बात करने के लिए तैयार रहेंगे। योगात्मक का मतलब होता है जुड़ना, और योग का मतलब होता है कहाँ जुड़ना, योगात्मक का मतलब होता है जुड़ना। एकदम याद करो, देखो लड़का का प्रश्न है, बहुत बार ये बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया था, समझो है तो चपला भा। हाँ जब एल्किन पुरान हो गया, नया खरीदा ही, जब एल्किन की क्रिया हाइड्रोजन के साथ कराई जाती है तो एल्किन का निर्माण होता है। याद कर ले बड़े, एथिन का सूत्र क्या वाला CH2 डबल बॉन्ड CH2, सिर पर कर आके क्रिया हाइड्रोजन के साथ कराओ तो रूल क्या कहता है मालूम है, एक हाइड्रोजन जा करके इसके साथ जुड़ जाएगा, एक हाइड्रोजन जाके इसके साथ जुड़ जाएगा, आज डबल जो बंद है वो सिंगल में चेंज हो जाएगा। अच्छा यहाँ डबल बॉन्ड क्यों लगाया गया मालूम है, डबल बॉन्ड इसलिए लगाया गया क्योंकि कार्बन के चार को कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन दो तो पहले से, जैसे मान लो हाइड्रोजन दो तो पहले से है, दो को जोड़ दिया आप, लेकिन आगे चार करने के लिए दो बॉन्ड लगाएंगे तभी ना 1 2 3 4 होगा, तो इसी को कहते हैं योगात्मक अभिक्रिया। बात समझ में आया, जब भी बात योगात्मक के करेगा तो जो एथीन होता है उससे क्रिया हाइड्रोजन से कराते हैं तो एथेन बनता है, तो इसको योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। पहला आपका यही पहला क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया, तो इसको नोट कर लो। खूब सुंदर अच्छा लग रहा होगा केमिस्ट्री, ऐसा महसूस हो रहा है, आराम से समझना आपको कि हेलोफार्म अभिक्रिया कहेगा तो क्या कहेंगे, तो कहेंगे कि जब एल्केन की क्रिया हाइड्रोजन के साथ कराई जाती है तो हेलो एल्केन तथा हाइड्रोजन हैलाइड का निर्माण होता है तो उसे हेलोफार्म अभिक्रिया कहते हैं। याद हुआ क्या कहे अपने कि जब एल्केन की क्रिया हाइड्रोजन के साथ कराई जाती है तो हेलो एल्केन तथा हाइड्रोजन हैलाइड का निर्माण होता है। तो हाइड्रोजन हैलाइड का मतलब क्या हुआ, तो समझो पहले, जैसे एल्केन का मतलब हो गया मेथेन, एल्केन का मतलब क्या हो गया मेथेन, और हाइलाइट का मतलब हो गया या हाइड्रोजन का मतलब हो गया, तो समझा मैं क्या बोल रहा हूँ, जब हाइड्रोजन कहेगा तो इसमें क्या हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, ये सब हो सकते हैं, क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन हो सकते हैं। अच्छा जब आपने क्रिया कराया तो क्या बनाया, क्लोरो मेथेन बना, अब बहुत तरवा से उसको अच्छा से बांध देना नहीं तो कोनो निकाल लेगा, जेंगा ना हो तरवा लपेटा गया था ना, हाँ उसको तो खूब मेहनत से, तो क्लोरो मेथेन बन गया, क्या बना हाइड्रोजन क्लोराइड बना, समझे, नाम लिख देते हैं इसका नाम बोलो क्या होगा मेथेन, इसका क्या नाम होगा क्लोरीन, क्लोरीन, इसका क्या नाम होगा क्लोरो मेथेन, इसका हाइड्रोजन हाइड्रोजन क्लोराइड, चोलराइड लिखा जाए चोलराइड ले क्लोराइड पढ़ते हैं, समझे। अच्छा हाइड्रोजन हाइलाइट का मतलब, हाइलाइट का मतलब क्या होता है ना, हाइड्रोजन हाइलाइट का मतलब होता है, हाइलाइट का मतलब होता है क्लोरीन, अगर क्लोरीन जुड़ा है तो हाइड्रोजन क्लोराइड कहेंगे, बी आर जुड़ा होगा तो हाइड्रोजन ब्रोमाइड कहेंगे, आई जुड़ा होगा तो हाइड्रोजन आयोडाइड कहते हैं। सब लोग एकदम तनि देखो तनि तनि एकरा के ध्यान से याद कर लो कि जब हम लोग क्या करते हैं, एल्केन लेते हैं, मेथेन लिए, ऐसी क्रिया क्लोरीन से कराते हैं तो क्लोरोमेथेन बनता है और क्या बनता है हाइड्रोजन क्लोराइड, इसी क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं हेलोफार्म अभिक्रिया कहते हैं, समझे। सब नोटिस कर लेना, सब इसको लिख लेना। आइए देखो चक्रीय यौगिक के बारे में अगर कोई आपसे पूछेगा तो क्या कहेंगे कि जब कोई कार्बनिक यौगिक बंद श्रृंखला में पाया जाता है तो उसे चक्रीय यौगिक कहते हैं, जब कोई भी यौगिक हो जब बंद श्रृंखला में पाया जाता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं चक्रीय यौगिक कहते हैं। याद हुआ सबको, समझे, माने जब कोई यौगिक बंद श्रृंखला में बैठ जाओ पढ़ो तुम छोड़ो बंद श्रृंखला पाया जाता है। अब इसका नाम सुनो, सुनो ध्यान से, इसका नाम अगर पूछता है इसका ये बताओ, इसका नाम कोई भी पूछेगा ना तो बेंजीन होगा। पहले इसका सूत्र देख लो सब लोग, ये संरचना है, ये संरचना, इस संरचना ऐसे ही बन सकता है, याम है ऐसे ही बन सकता है, ऐसे ही बन सकता है। आ इसका सामान्य सूत्र जानते हो क्या होता है, C6H6। आ इसका नाम क्या होता है, इसका नाम लिखो चाहे इसका, इसका नाम होता है बेंजीन। ए चूजा पढ़, इसका सूत्र होता है बेंजीन, जो मन में आता है सो बोलते रहते हो, दिमाग काम नहीं करता है ना, कहाँ बैठे हो यार, विद्या के घर में बैठे हो, विद्या के पास बैठे हो, जो मन में आता है सो बोलते हो, जैसे लगता है कि घास काटने के लिए आए हो, कोनो को क्वालिटी है नहीं के, अरे यार पैदा करो,
देश के शान तुम लोग हो, तुम्हें लोग जब ऐसी बातें करोगे तो हमारे देश के वो लड़के कैसे होंगे जो पढ़ते नहीं होंगे। ज़रा सोचो, जब मेरे देश के पढ़ने वाले बच्चों के पास हाई क्वालिटी नहीं होगी, पढ़ाने वाले टीचर के पास हाई क्वालिटी नहीं होगा, तो उन देश के बच्चों का क्या हाल होगा जो पढ़ते नहीं हैं। चलो, ये अभी बेंजीन है। अच्छा, इसका नाम क्या होगा बताओ? साइक्लोहेक्सेन। साइक्लो क्यों? क्योंकि अंदर कुछ भी नहीं है बाबू, तो इसका नाम लिखिएगा आप, यहाँ पर बता देते हैं साइक्लो। अच्छा, आपको पता नहीं चल रहा कि सर हेक्सेन क्यों लिख रहे? यार छह गो कार्बन, एक यहाँ कार्बन है, एक यहाँ कार्बन है, जहाँ जहाँ कोना तहाँ तहाँ कार्बन, जहाँ जहाँ कोना तहाँ तहाँ क्या होता है? कार्बन। तो साइक्लोहेक्सेन है, इसका नाम बोलो साइक्लोब्यूटेन। साइक्लोब्यूटेन, जब इसके बारे में पूछेगा तो साइक्लोब्यूटेन लिखें। इसका नाम बोलो सब लोग, सुनो, CH3 जुटा है ना, तो समझना। तब मेथिल पहले लागी और तब साइक्लो प्रोपेन। अरे यार, प्रोपेन तीन कार्बन हो रहा है ना, एक यहाँ पर। या ब्यूटेन क्यों लिखे? क्योंकि चार है, चार हजार ब्यूटेन है तो लिखते हैं। ये सब चक्रीय यौगिक है, ध्यान रखना है, सब बंधे श्रृंखला पाया जाता है। तो इसका नाम क्या होगा? साइक्लो प्रोपेन। चलिए मेथिल ऊपर लिख लेते हैं, मेथिल, इसके लिए मेथिल लिख रहे हैं, इसके लिए साइक्लो प्रोपेन। चलो, इसका बोलो क्या नाम होगा? आप लोग बताइए इसका। साइक्लोपेंटेन, पाँच के बाद, अरे एक दो तीन चार पाँच, जहाँ कोना तहाँ कार्बन, जहाँ कोना तहाँ, तो पाँच का पेंटेन लिखते हैं, तो इसका नाम होगा साइक्लोपेंटेन। माने ऐसा, जब भी माने इस तरीके के यौगिक दिखाई ना, बंद श्रृंखला में दिखाई दे, आप बेंजीन की तरह इसकी संरचना नहीं होता, साइक्लो लगा के लिखते हैं। हाई बेंजीन के रूप में बकाएंगे, अंदर दे दिया गया है, तो इसका नाम होगा क्लोरो बेंजीन। CL के लिए क्या लिखते हैं? क्लोरो। तो हिंदी में लिखते हैं क्लोरो बेंजीन। इसका नाम बोलो ब्रोमो बेंजीन, BR के लिए ब्रोमो बेंजीन। इसका बोलो क्लोरो ब्यूटेन। इसका बोलो, हाँ यार नहीं, तो साइकिल नहीं है, बेंजीन का, ठीक बा, हाँ तो मैं अंदर है ना, इसलिए, हाँ मैंने अंदर अगर कोई संरचना बनाया है तो बेंजीन हो गया है, अगर नहीं क्या बना ले तो साइकिल हो गया। कौन पाई ऐसे? हाँ, तब एक लिखाई जानते हो क्या? पहले क्लोरो लिखो, तब साइक्लो लिखो, आको कार्बन, तो एक दो तीन चार गोता नो, तब ब्यूटीन लिखाई, ब्यूटीन इन के है ना, डबल बांध के लिए इन लिखते हैं ना, तब ब्यूटीन हो जाएगा। आ तीन रही तो ब्यूटाइन लिखाई, ब्यूटाइन तीन के लिए पढ़े होंगे, आइन जोड़ते हैं उसमें, है क्या नाम बोलो? ब्रोमो प्रोपेन, ब्रोमो साइक्लो। जितना तुम लोग पढ़ाया जाता है, अगर तैयारी कर लो तो कोई माई का लाल नहीं है जो उनको पीछे कर देता, मैं गारंटी कहता हूँ। देखिए, तुम लोग सोच के बताना है क्या इसका नाम होगा, सोचो, बोलो क्या नाम होगा इसका? बेंजीन। अब तो समझ गए ना इसका नाम क्या होगा? बेंजीन। पूरा याद करते हैं, तुम भी क्या हो रहा है, जमा हो रहा है, ये तीसरा महीना शायद होगा बेंजीन। अरे जमा कर देना चाहिए, गुरु होते हैं, उनको कभी कष्ट नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये दिन नहीं मिलेंगे आपके ज़िंदगी में, प्यारा सा दिन नहीं मिलेगा। चला, इसका नाम क्या होगा? बेंजीन, प्यारा सा दिन। देखिए, ये भी बेंजीन। सोचेंगे कि अलग अलग सर बना रहे हैं, लेकिन एकदम आज इसको याद ही कर लीजिए, क्योंकि 11 में जाने के बाद सारा यही कहानी मिलेगा, मज़ा आई यार, पढ़ो खूब। बेंजीन, आल्ट पढ़ना है क्या तुम लोग का? वह क्या करेगा आल्ट पढ़ के, लाज करे। अच्छा, ये बोलो, ये क्या होगा, इसका क्या नाम होगा? चलिए, इसका क्या नाम होगा? कल बस बंद इसका चेंजिंग हो गया है, ये भी क्या होगा? बेंजीन। अच्छा, अब तुम लोग को याद हुआ कि नहीं हुआ बताओ, इसका बोलो। हाँ, अब मत कहना हेक्सेन, बेंजीन होता है, इसका नाम बोलो।
चली। देखो हमने केमिस्ट्री को धुआं धुआं कर दिया। मैं एक दिन ऐसा था, एक दिन ऐसा था कि बेंजीन का सूत्र नहीं मालूम था, और आज आपके सामने चार स्ट्रक्चर बनाए हैं। इससे अधिक अब कार्बनिक रसायन में हो ही नहीं सकता है। ये चार स्ट्रक्चर आपका बनाया गया है, तो इसका नाम क्या होगा बताओ, सबका नाम क्या होगा? ये पढ़ाई आपको हमेशा याद रखेंगे, जब भी आप देखेंगे, जब भी आपको याद आएगा तो एकदम कहेंगे कि सर आपने पढ़ाया तो मुझे आज भी याद है, कभी नहीं भूलने वाले। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसलिए बड़ा बड़ा बनाते हैं, खाली आप सीखते चलिए चलिए। अच्छा सब लोग बोलो इसका नाम, लड़कियाँ बोलेंगे लड़के नहीं बोलेंगे? लड़कियाँ बोलेंगे, क्या नाम होगा? चलो भाई सबको याद हो गया, अगर कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसका नाम क्या होगा? ब्रोमो बेंजीन, बहुत प्यारा। अरे बी आर के लिए क्या लिखेंगे? ब्रोमो। आप ब्रोमो जब लिखे तो क्या बच गया? बेंजीन, तो ब्रोमो बेंजीन। इसका क्या नाम होगा? आइडो बेंजीन। इसका एन ए टू को नाइट्रो कहता है, नाइट्रो बेंजीन। वाह कितना चिल्ला के बोल रहे हो। अच्छा अच्छा चलो ये देख लो देख लो देख लो, बताओ। अच्छा एन एच टू के एमीन कहते हैं ना, तो एमीन बेंजीन, एमीन बेंजीन। अगर ये नहीं याद है देखो इसको प्यारा से एक नाम बताते हैं, एनिलीन। क्या नाम होगा इसको? चलो ये तो नहीं याद होगा लेकिन ये जरूरी याद होगा, एन एच टू के एमीन कहते हैं, पढ़ के आ रहे हैं। और इसको क्या कहते हैं? बेंजीन, तो एमीन बेंजीन। इसका नाम देखो, इसका नाम देख लो सब लोग, रे देखो बी आर डबल जुट गया। क्या नाम होगा? एक मिनट एक मिनट एक मिनट, तनी धैर्य रखो, इसको पहले काउंटिंग करो। एक तो यहाँ पर कहा होगा तू, तो सुनो पहले पहले इसको बेंजीन लिख लेना। क्या लिख लेना? बेंजीन। आ तब डैश करके एक कमा करके दो, आ डाई ब्रोमो, डाई ब्रोमो। अब चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, वन कमा टू आ डाई, डाई इसलिए क्योंकि दू गए, आ तीन को तो ट्राई लिखते हैं, तो डाई ब्रोमो नहीं, डाई ब्रोमो बेंजीन। हाँ क्या करें यहाँ बताइए? अब वन कहाँ छोड़ देंगे, वन को छूट नहीं जाएगा भाई, जहाँ जहाँ जुड़ा है तहाँ तहाँ लिखिए, पता चला है केमिस्ट्री यही है, देख लो समझ में नहीं आ रहा है ना। अरे यार केमिस्ट्री बहुत अच्छा विषय है, बच्चन के दो गो दिक्कत होता है पूरे माने पढ़ाई में, दो गो चीज़ों की दिक्कत होता है, एक केमिस्ट्री में दिक्कत होता है, एक मैथमेटिक्स में दिक्कत होता है, बाकी फिजिक्स मान लो परिभाषा है वो याद हो जाता है, सूत्र पर निमिका लग जाता है, बायोलॉजी कोई बात है नहीं, केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट पड़ जाता है, कोई बात नहीं जब पढ़ेंगे तो आसान हो जाएगा, बात समझे? चलिए ठीक हो गया, आइए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। आवाज़ कर रहा है पंखा यार, इसलिए पंखा हम नहीं चलाते हैं, समझे? तब पंखा बंद कर दबा के ये सब नहीं, अभी चाहेगा तो देख रहे हो अब कितना अच्छा लग रहा है। हाँ बस छोड़ दो, आ जाओ क्या आगे बढ़े के, सबको याद हो क्या बता दोगे सब लोग? अच्छा अब देखो ध्यान से, ध्यान से, और क्या था क्वेश्चन? अब हो गया, चलो कितना उसको रिपीट किया जाएगा, समझ गए होंगे तुम लोग। अब आपके पास है बाबू कार्बन की चतुष्फलकीय संरचना, कार्बन के अगला हेडिंग था, तीन गमलो लिख लिए थे ना, चौथा कार्बन के चतुष्फलकीय संरचना। कुछ बातें मैं पर्चे आपको करा देता हूँ, कार्बन से थोड़ा सा लिख लीजिए तब आपको बताते हैं। देखिए ये भी बहुत बढ़िया हेडिंग है, आप लिख सकते हैं कार्बन, बोले देखो कार्बन पी ब्लॉक का तत्व होता है, पी ब्लॉक का तत्व होता है, या एक अधातु होता है, या एक अधातु होता है, सबको तो याद होगा धातु होता है, यह भी याद होगा कि इसके अंतिम कोष में चार इलेक्ट्रॉन होते हैं। अच्छा आपको याद है कोष किसे कहते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं? इसके अंतिम कोष में चार इलेक्ट्रॉन होते हैं, अतः इसकी संयोजकता चार होती है, अतः इसकी संयोजकता चार होती है, चार होती है, किसकी संयोजकता चार होती है? किसकी? और इसलिए इसलिए कार्बन चतुष्फलकीय संरचना को प्रदर्शित करता है, चतुष्फलकीय
संरचना को प्रदर्शित करता है। चलिए, क्या ऐसा लगा आपको बताइए, अच्छा लगा कि नहीं लगा? अब हम बताते हैं, समझाते हैं। ये कार्बन है, कार्बन का छः होता है तो दो का मत चार, इसलिए इसकी संयोजकता कितनी होती है? चार होती है। तो सब लोग याद करो, पहले इसको गनगना के, गनगना के याद कर लो कि कार्बन जो होता है पी वाला के तत्व होता है, और जो कार्बन होता है वह एक धातु होता है। कार्बन के अंतिम कोष में चार इलेक्ट्रॉन होते हैं, अतः इसकी संयोजकता चार होती है। इसलिए कार्बन चतुष्फलकीय संरचना को प्रदर्शित करता है। इसलिए कार्बन किसको चतुष्फलकीय संरचना क्या करता है? प्रदर्शित करता है। सबको याद होना चाहिए। जब भी बातें आपकी की जाएगी तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे और तुरंत बताने का प्रयास करेंगे। समझे, कार्बन पी वाला का तत्व होता है या एक अधातु होता है, इसकी अंतिम कोष में चार इलेक्ट्रॉन होते हैं, अतः इसकी संयोजकता चार होती है। लाइट आ गया है, चलिए तने गर्मी बर्दाश्त कर लीजिए, क्या करना है। चलिए बता देंगे आप लोग। अच्छा, कार्बन की परमाणु क्रमांक कितना होता है? छः, दो का मा चार। हमको भी गर्मी हो रही है, क्या करेंगे, वही होने दीजिए, क्या करना। हाँ चलिए, याद हुआ ना? तो जब भी कार्बन के क्षेत्रफल की संरचना पूछेगा तो बता सकते हैं आप इसमें। अब ये कितना अच्छा प्रश्न आ रहा है, समूह या मूलक, मूलक किसे कहते हैं? मिटा दे इसको। कोई प्रश्न अगर इसमें है दिक्कत तो पूछ सकते हैं। क्या देखा, कार्बन के छः वाला तो दो का मचार, पहला क्वेश्चन में दो, दूसरा में चार, अपूर्ण है ना, अपूर्ण है, क्योंकि इसको आठ करने के लिए, क्योंकि दूसरा में आठ चाहिए, चार इसके पास है, इसलिए इसको अपूर्ण माना जा रहा है। कुछ समझे? ए आज तुम अच्छा से पढ़ लो, तुम समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ तो ठीक बा, अच्छा अच्छा मिटा इसको। ए लिखा गया है, चलो अब एक आपके हेडिंग है समूह या मूलक। देखिए, समूह या मूलक, तो जब पहले नोट कर लो तब इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि आखिर समूह या मूलक हो। हाँ, समूह या मूलक का होता था ना, इसके बारे में देखें। देखो, समूह या मूलक किसी कार्बनिक यौगिक से जुड़कर उसके रासायनिक गुण को निर्धारित करते हैं। तय समझो, सब लोग याद करो, OH एक समूह है, या मूलक भी कह सकते हैं। आ देखो, जब ये जुट गया है, हाँ ये कार्बनिक यौगिक है, CH3 कार्बनिक यौगिक, जानते हो जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना है, तो ये देखो एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है, तो समझना बाबू। लेकिन अगर साथ OH जुड़ गई बा तो हम लोग कहते हैं कि ये अल्कोहल का यौगिक हो गया। हाँ, एक के मूलक कहते हैं OH को, देख लो। इसके साथ कार्बनिक यौगिक के साथ OH जुड़ गया तो इसको क्या कहते हैं? अल्कोहल। और देखो ये CHO जुट गया, ये कार्बनिक यौगिक है बाबू, लेकिन ये CHO जुड़ गया तो एल्डिहाइड क्या कहेंगे? CHO किसका होता है? एल्डिहाइड का। अब वही CH3Cl है, लेकिन एक साथ Cl जुड़ गया तो इसको क्लोरो कहेंगे, ये हाइड्रोजन परिवार का हो गया। देखिए क्वालिटी, देखो सब वही है, लेकिन मूलक जुड़ गया, इसका माने मूलक का मतलब होता है कि इसका समूह जुड़ गया तो इसका गुण बदल गया, रासायनिक गुण बदल गया, ये अल्कोहल का हो गया, ये एल्डिहाइड का होता है, आइए आपका हाइड्रोजन होता है, क्लोरो एथेन होगा, हाई क्या होता है? कार्बोक्सिलिक होता है। तो यही होता है आपके मूलक या समूह। कुछ समझ में आ रहा है तुम लोगों? आदित्य बाबू समझ में आ गया पूरा? आगे बढ़ते हैं, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। देखो, ओजोन के एल्किन का ओजनीकरण से, एक मतलब ये हुआ कि एल्किन की क्रिया किसे कराएंगे? ओजोन से। सब लोग याद करो, तो देखो जब एल्किन की क्रिया ओजोन यानी O3 से कराई जाती है तो एल्डिहाइड का निर्माण होता है, तो एल्डिहाइड का निर्माण होता है, तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? एल्किन का। एल्डिहाइड का मतलब CHO, एल्डिहाइड का मतलब क्या होता है? CHO। तो देखो एथीन है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये इसका नाम एथीन होगा, क्योंकि एल्किन का मतलब डबल बॉन्ड होना चाहिए। तो समझो भाव, तो समझो एल्किन का मतलब क्या होना चाहिए? डबल बॉन्ड। और ओजोन से क्रिया कराना चाहिए O3, तो क्या बनेगा? CH3CHO एथेनॉल बन जाएगा। है क्या निकल गई बाइका, माइनस माइनस कहीं भी दिखाई देगा रिएक्शन में, तो समझो कि बाहर निकल गया। तो यही आपका प्रश्न था। और किसी को प्रश्न है साइंस में इस पार्ट से संबंधित, आप पूछ सकते हैं। बता दें हम आपको कि बहुत प्यारा सा टॉपिक यह है एस्टीकरण के बारे में, कि जब एथिल अल्कोहल जिसका सूत्र भी आप देख रहे हैं C2H5 की क्रिया एसिटिक अम्ल, इसका सूत्र भी देख रहे हैं CH3CDOH से कराई जाती है,
तो एस्टर, एस्टर का सूत्र होता है CH3COCH5, और जल H2O का निर्माण होता है, तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? एस्टरीकरण। तने उदाहरण में लिख लेना है, C2H5OH एल्कोहल होगा और CH3COOH एसिटिक अम्ल होगा, क्रिया करेंगे शुष्क, चाहे तो डाइएथिल ईथर लिख सकते हैं, तो समझ और आगे बढ़ा देता है, डाइएथिल ईथर क्या बना, बनेगा आपका CH3COOH C2H5। H2O जल के सूत्र लग यार H2O, देख लेना ध्यान से सब लोग को, एस्टर जल, एस्टर का हो जाएगा जल, बना लेना जल्दी से। देखो अगर कोई आपसे पूछे कि क्या होता है आपके दहन, तो इसके बारे में आज जिंदगी में कभी नहीं भूलने वाले आप लोग हैं। देखिए ध्यान से कि जब कार्बन, एक कार्बन किसे प्रतिजी कहते हैं? सी से, या कार्बनिक यौगिक माने कार्बन के साथ कोई और यौगिक जुड़ा हो, को ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का मतलब क्या होता है? O2 के उपस्थिति में क्रिया कराई जाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, तो इसे इसी को हम लोग क्या कहते हैं? दहन कहते हैं। देखो भाई कार्बन है, उदाहरण से कार्बन के सी से प्रतिजी कहते हैं ना, ऐसे क्रिया किसके उपस्थिति में? ऑक्सीजन के उपस्थिति में, ये कार्बन है और ऑक्सीजन के उपस्थिति में हमने क्रिया कराया तो क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? दहन कहते हैं। इसका क्या कहते हैं? दहन। याद हुआ कि नहीं हुआ? दहन का मतलब है जलाना, दहन का मतलब क्या हुआ? जलाना। अब वो जलाओगे तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में, नोट कर लो। अच्छा इतना तुमको सिखाते हैं, पढ़ाई तो कभी सीख ही नहीं पाते, कैसे सीख सकते हो? सोचो आ जाओ साबुन करण में बाबू, तो साबुन बनाने की विधि को क्या कहते हैं? साबुनीकरण। ये एकदम सिंपल परिभाषा है धनंजय बाबू, साबुन बनाने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? साबुनीकरण। आ क्या कह लिहल जला बनावे खातिर? साबुन बनाने के लिए तेल या बसा, आई क्या है तेल के सूत्र CH2COOC17H5 CH2COOC17। देखो है जा टू, है जा वन, है जा टू, मान ये दोनों ऊपर वाला सेम, लेकिन बीच में कम रहिए, बाकी सब वही रहेगा। ये एस्टर समूह का है COOH, और क्या कहते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसी को कास्टिक सोडा कहते हैं। तो तीन गो लगे कहेंगे तीन भाई है, और जब क्रिया करेंगे तो गैस्ट्रार बनेगा CH2OH, CHOH और CH2OH, और तब आपके साबुन बनता है C17H35COOH सोडियम एस्टेट कहते हैं। अच्छा इसको झाग उत्पन्न करने के लिए क्या मिला? तो याद है बिरोजा, बिरोजा या रेजिन, याद कर ले सागर बाबू, बिरोजा या रेजिन। तो नवा टॉपिक था आपका, अब आते हैं हम लोग दसवा टॉपिक के पास। आओ देखो ये आपके पास है कि जब किसी कार्बनिक यौगिक से जल बाहर निकल जाता है तो इस क्रिया को निर्जलीकरण कहते हैं। क्या कहोगे? जब किसी कार्बनिक यौगिक से जल क्या होता है? बाहर निकल जाता है। जैसे यहाँ पर एथिल अल्कोहल है, अब इसके अंदर जल उपस्थित है, शराब में जल पाया जाता है, जानते होंगे पनगर होता है, उसको आपने गर्म किया H2SO4 की उपस्थिति में, तो क्या बन गया? एथीन बने, देख लो, और इसमें जल बाहर निकल गया, तो इस क्रिया क्या कहते हैं? निर्जलीकरण कहते हैं। सब लोग नोट कर लो, तो ये आपका रहा